नमस्कार मित्रों, आपका एग्री अकेडमी में स्वागत है। आज मैं आपको फूलगोभी की उन्नत खेती कैसे करें इसके संबंध में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि फूलगोभी एक सर्वकालीन फसल है। ये कोलवर्ट की प्रमुख फसल है जो एक कर्ण के लिए एक वर्षीय और बीज उत्पादन के 2 वर्षीय है। इस वर्ग की सभी फसलें साधारणतः 2 वर्षीय होती हैं। पहले चरण में इसमें कर्ण बनता है और दूसरे चरण में बीज उत्पादन बनता है। यह ठंडे एवं नम जलवायु की आवश्यकता होती है और कर बनने के साथ इसमें फूलगोभी शरदकालीन और शीतोष्ण कटिबंधीय सब्जी की फसलों में सबसे अधिक लोकप्रिय सब्जी साग की फसल है। फूलगोभी को खेती भारत के लगभग सभी प्रांतों में की जाती है। संसार के देशों में भारत देश फूलगोभी को उगाने वाला प्रथम देश है और संसार में पत्ता गोभी सबके प्रथम स्थान पर है, जबकि भारतवर्ष में फूल गोभी प्रथम स्थान पर है। इसकी खेती बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है। उत्पादन अधिक होने के कारण विदेशों को इसको निर्यात भी किया जाता है। भारतवर्ष में फूल गोभी की खेती पत्ता गोभी की अपेक्षा अधिक क्षेत्रफल में की जाती है। यूरोप के सभी देशों में पत्ता गोभी प्रथम स्थान पर है और फूल गोभी द्वितीय स्थान पर है। फूल गोभी में फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोह तत्व एवं ताम्र कापर अधिक मात्रा में पाया जाता है और इसमें विटामिन ए, बी, सी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। फूलगोभी में पाई जाने वाली विटामिन सी उबालने या पकाने के बाद भी नष्ट नहीं होती है, इसलिए यह बहुत इम्पोर्टेंट फसल है। संसार में फूलगोभी को उगाने वाले बहुत सारे देश हैं, जिसमें भारत, चीन, फ्रांस, इस तरह से ये देशों के नाम दिए गए हैं। भारतवर्ष में क्षेत्रफल उत्पादन के अनुसार प्रांतों को दिखाया गया है। इसमें पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, हरियाणा, इनके क्षेत्रफल और उत्पादन सबसे अधिक हैं और सबसे उत्पादन कम मिजोरम में है। फूलगोभी का उपयोग विभिन्न रूपों में किया जाता है, जिसमें सब्जी बनाने के लिए, अचार बनाने के लिए, सूप बनाने के लिए, सुखा करके भविष्य के लिए रखते हैं और इसको बेमौसी सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं। डिब्बाबंदी, शीतलीकरण, शुष्कावस्था में इसको रखा जाता है और विदेशों को निर्यात किया जाता है और इससे विदेशी मुद्रा कमाई जाती है। फूलगोभी में पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, जैसा कि इस टेबल में दिखाया गया है। इसमें सबसे अधिक मात्रा जो है विटामिन ए, विटामिन सी और खनिज की पाई गई है, जिसमें फॉस्फोरस 56 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम खाने योग्य भाग में पाया जाता है और ये प्रजाति के अनुसार 56 से 76 ग्राम प्रति 100 ग्राम पाया जाता है। पोटेशियम 35.8 मिलीग्राम और तांबा 0.6 मिलीग्राम है। भारतवर्ष में फूलगोभी की खपत या उपयोग, देश में उत्पादित जो फूलगोभी है उसका लगभग 90% भाग सब्जी के रूप में उपयोग होता है और 3% भाग परिरक्षित अचार सुखा कर रखना, बेमौसमी सब्जी के रूप में उपयोग करना इसके लिए होता है और कुल उत्पादन का 5% भाग आपका खाद्य पदार्थ बनाने में किया जाता है, जिसमें 2% पुलाव बनाने के लिए, 1% पकौड़े बनाने के लिए, 2% कोफ्ते बनाने के लिए और लगभग 2% गोभी का निर्यात किया जाता है। फूल गोभी का वनस्पति के विवरण इस प्रकार से है। इसमें को ब्रेसिका ओलेसिया वराइटी बोटाइटिस कहते हैं। यह फैम वेसिकोसी या पुरानी फैमिली क्रूसीफेरी का पौधा है, जिसमें 29 फसलें हैं जिन्हें सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। गुणसूत्र के हिसाब से इसमें 18 क्रोमोजोम पाए जाते हैं और उत्पत्ति इसकी पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में हुई है। फूलों की उत्पत्ति और विकास सीरिया में हुई बताते हैं। 18वीं शताब्दी में फूलगोभी लोकप्रिय बन गई और साइप्रस से समस्त अन्य क्षेत्र तुर्की, सीरिया, इटली, मिस्र, स्पेन, यूरोप आदि में फैल गई। 16वीं शताब्दी के मध्यकाल में फूलगोभी के विषय में जानकारी हर्बलिस्ट डोडोन्स ने 1544 ईस्वी में अपनी पुस्तक में लिखा है। 18वीं शताब्दी के आरंभ काल में अधिक लोकप्रिय बन गई और इसकी खेती आरंभ हुई। आज की जो वर्तमान गोभी है, जो चिरकाल के विकास के पश्चात है, पौधे में अचानक म्यूटेशन या उत्परिवर्तन हुआ, उसके फलस्वरूप उसमें जीन में परिवर्तन हुआ और गोभी के विभिन्न एक जीन के बदलने से विभिन्न उसकी फसलें उत्पन्न हुई। गोभी वर्गीय फसलों की उत्पत्ति के विषय में ग्रीक और रोमन भाषा में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं।
ये विश्वास किया जाता है कि गोभी वर्गीय सभी साग की फसलें केल, कोरट, ब्रोकली, बंद गोभी, बटन गोभी या गुच्छा गोभी जिसे कहते हैं, ब्रुसेल्स स्प्राउट, फूल गोभी तथा गांठ गोभी आदि की उत्पत्ति एक जंगली पौधे से अचानक आनुवंशिक परिवर्तन के उदाहरण हुई, जिसको ब्रिजिका और देशिया वराइटी सर्विस कहते हैं। सबसे पहले बंद गोभी की खेती ईसा से 1000 वर्ष पूर्व पश्चिमी यूरोप में प्रारंभ हुई। इसके बाद यूरोप से यह पूर्वी देशों में लाई गई और भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न नाम से पुकारी जाने लगी। बंद गोभी को जर्मन भाषा में कॉफ कोटल और फ्रांस में कोवस, अंग्रेजी में कैबेज के नाम से जाना जाता है। फूल गोभी और ब्रोकली की उत्पत्ति पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में हुई, जबकि बंद गोभी, बटन गोभी और ब्रुसेल्स स्प्राउट या केल की उत्पत्ति पश्चिमी यूरोप में लगभग 2500 वर्ष पुरानी है। फूल गोभी की उत्पत्ति और विकास के संबंध में सीरिया में हम बताते हैं, और बटन गोभी की उत्पत्ति 14वीं शताब्दी में बेल्जियम से हुई है। ब्रोकली की उत्पत्ति इटली में हुई है और ब्रोकली की खेती फूल गोभी से पहले प्रारंभ हुई। प्राचीन रोमन वासी ब्रोकली को साइमा के नाम से जानते थे। प्रसिद्ध वैज्ञानिक हेलन के अनुसार गोभी वर्ग की फसलें प्राचीन प्रभेद रसोला अर्थात सहस्त्र केल के बटन गोभी या ब्रुसेल्स स्प्राउट को जन्म दिया, जो कि जंगली बंद गोभी कोलवर्ट ब्रिस्का और लेशिया वैरायटी सेल्वेसिया से विकसित हुई। जंगली बंद गोभी ने ही फूल पुर्तगाली केल को जन्म दिया और इसी केल के से बाद में सवाई कैबेज की उत्पत्ति हुई। जंगली बंद गोभी से विकसित ब्रोकली या गुच्छा गोभी से ही फूल गोभी का जन्म हुआ है, ऐसा डॉक्टर रामफल का भी मत है। यद्यपि फूल गोभी फसलों की उत्पत्ति के विषय में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं, इन सब के होते हुए भी यह तथ्य भी निश्चित है कि सभी की उत्पत्ति केल नामक जंगली पौधे से हुई है। मानव ने अपने उपयोग के आधार पर नवीन पौधों का चयन किया और जो बाद में परीक्षण आदि के पश्चात लोकप्रिय बन गए। फूल गोभी वर्गीय सब्जियाँ मुख्य रूप से भूमध्य सागरीय क्षेत्र के तटीय क्षेत्रों में विकसित हुई हैं। विकसित होने के बाद यूरोप में फैल गई। सर्वप्रथम कर्ली केल, बंद गोभी और गांठ गोभी की खेती 17वीं शताब्दी में आरंभ हुई। 18वीं शताब्दी में फूल गोभी प्रचलन में आई और 19वीं शताब्दी में ब्रुसेल्स स्प्राउट एवं 20वीं शताब्दी में ब्रोकली की खेती आरंभ हुई है। आजकल उपरोक्त सभी फसलें संसार के सभी देशों में प्रचलित हैं एवं उगाई जा रही हैं। 18वीं शताब्दी में फूलगोभी लोकप्रिय बन गई। यह साइप्रस से समस्त अन्य क्षेत्रों में पहुंची, इसमें तुर्की, मिस्र, इटली, स्पेन, यूरोप में फैल गई और 16वीं शताब्दी के मध्य काल में फूलगोभी के विषय में जानकारी हार्वे लिस्ट में डोडोइंस 1544 ईस्वी में अपनी पुस्तक में लिखा है कि फूलगोभी का चित्र बनाकर उन्होंने उसके मार्फोलॉजिकल करेक्टर का वर्णन किया था। यह 18वीं शताब्दी के आरंभ काल में ही अधिक लोकप्रिय बन गई थी, इसकी खेती प्रारंभ हो गई थी। 19वीं शताब्दी के आरंभ काल में बटन गोभी या ब्रुसेल्स स्प्राउट की खेती प्रारंभ हुई और स्प्राउटिंग ब्रोकली गोभी अन्य फसलों की अपेक्षा नवीन फसल है जो 20वीं शताब्दी में प्रचलित हुई है। बॉसवेल 1949 के अनुसार फूलगोभी की उत्पत्ति साइप्रस से हुई। एशिया और मिस्र की प्राचीन सभ्यता एवं बाबिल में इन फसलों के विषय में कोई उल्लेख नहीं मिलता है, किंतु अरस्तु के शिष्य थियोफ्रेस्टस ने यूनान के लेखों में तीन प्रकार की गोभी का पौधों का वर्णन किया है और उनके गुणों की सराहना की है। प्रारंभ में इन पौधों का प्रचलन उपयोग औषधीय फसलों के रूप में किया गया और धीरे धीरे ये प्रचलन में सब्जी और अन्य उपयोग में आने लगी। इस प्रकार गोभी की उत्पत्ति भूमध्य सागरीय क्षेत्र में फूल गोभी के उद्गम स्थान का केंद्र बन गया। ग्रीस या यूनान के कृषक निवासी ईसा से 600 वर्ष पूर्व केल की खेती करते थे। ठीक उसी समय रोमन और यूनान में वासियों को बंद गोभी की और गांठ गोभी की खेती की फसलों के विषय में ज्ञान प्राप्त हुआ। प्राकृतिक रूप से फूल गोभी फसलों के स्वाद ग्लूकोसाइनेट नामक द्रव्य के कारण होती है, जिसको सिनेगरीन भी कहते हैं। गोभी वर्ग की फसलों की भूमध्य सागरीय जंगली पादप प्रजातियां एक वर्षीय पौधे से हैं, जो कि हल्की गर्म और नम जलवायु आवश्यकता होती है। इनकी जंगली प्रजातियों का प्रसारण उत्तर पश्चिमी यूरोप में हुआ। इसके बाद ये द्वितीय द्विवर्षीय शीत सक्षम ठंड को सहन करने वाली प्रजातियों का मानव द्वारा धीरे धीरे चयन किया गया और उसमें फिर
उन्होंने चयन करके अपने आवश्यकता अनुसार प्रजातियों को चुन लिया। बंद गोभी की उत्पत्ति जर्मन में हुई, वहाँ पर श्वेत, सफ़ेद, लाल और बैंगनी रंग की पत्ता गोभी का भी ज्ञान 1150 ईस्वी में हुआ। 14वीं शताब्दी में इसे इंग्लैंड में जाना गया। 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी में बंद गोभी की सवाई प्रजातियाँ पहचानी गईं। इनकी उत्पत्ति संभवतः इटली में हुई, जहाँ ये फ्रांस और जर्मन में प्रवेश कर गईं। गांठ गोभी 15वीं शताब्दी से उत्तर पूर्व में विकसित हुई और मध्यकाल में आरंभ में फूल गोभी और अपने वर्तमान स्वरूप में नहीं थी। जर्मन साहित्य में सन 1576 में फूल गोभी के विषय में कोई भी उल्लेख साहित्य में नहीं मिलता है। फूल गोभी को इटली में सन 1490 में साइप्रस या लेवन से लाया गया था। स्कॉट एवं सहयोग के अनुसार द्वारा प्रथम बार 1818 में फूलगोभी के फूल के विषय में वर्णन किया गया और कहा गया कि फूलगोभी का विस्तार साइप्रस से इटली, इटली से इंग्लैंड और इंग्लैंड से 18वीं शताब्दी में ये भारत आया गया। और 18 भारत में इसका आगमन पहली बार डॉक्टर जेम्सन के द्वारा फूलगोभी का बीज कंपनी बाग सहारनपुर में लाया गया, जो उत्तर प्रदेश में है, और वहाँ पर उगाया गया, क्योंकि उस समय वो कंपनी बाग सहारनपुर के इंचार्ज थे। वहाँ पर वो बीज लेकर आए और उन्होंने पहली बार इसको भारतवर्ष में उस समय उगाया। उस समय इंडिया और इटली फूलगोभी के लिए प्रसिद्ध देश थे और लार्ज स्केल पर इन्होंने उगाना शुरू किया। उसके बाद तीसरा इसमें आता है कि साइप्रस से ये सीधे संपूर्ण यूरोप में फैल गई और साइप्रस से सीरिया, तुर्की, मिस्र, इटली और स्पेन, उसके बाद उत्तरी पश्चिम यूरोप में। तो इस प्रकार से प्रसार की तीन पद्धतियाँ प्रचलित हैं। अब इनकी फूलगोभी दो प्रकार की मुख्य रूप से होती है, एक यूरोपीय गोभी और एक भारतीय गोभी या एशियाटिक गोभी। अब इन दोनों में क्या अंतर है, ये इस टेबल में दिखाया गया है। इनकी वृद्धि किस तरह की, मुख्य रूप से 2 वर्षीय होती है यूरोपीय गोभी, भारतीय वर्षीय 1 वर्षीय है कौर बनने के लिए और फूल बनने के लिए 2 वर्षीय है। तापमान के हिसाब से फूल बनने के लिए इसे 20 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है, जबकि भारतीय गोभी को 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। फूल का आकार यूरोपीय गोभी में बड़ा होता है, जबकि फूल गोभी का आकार भारतीय गोभी में छोटा और हल्के पीले रंग का और उसमें तीखी गंध युक्त होता है। ऊष्मा के लिए ये यूरोपीय गोभी अधिक सहिष्णु नहीं है, जबकि ऊष्मा के लिए भारतीय गोभी अधिक सहिष्णु है। यूरोपीय गोभी की अवधि अधिक है, दीर्घावधि है, जबकि ये अगेती, पछेती और अल्पावधि कई तरह की हैं। इसमें 4 प्रकार की गोभी हैं भारतीय गोभी। आनुवंशिक के हिसाब से इसमें आनुवंशिक विविधता अधिक पाई कम पाई जाती है यूरोपीय गोभियों में और भारतीय गोभी में अधिक पाई जाती है। उसके बाद इसमें स्वबंधता या सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी यूरोपीय गोभी में कम होती है, इसलिए इसमें इम्प्रूवमेंट के चांसेस कम हैं, जबकि भारतीय गोभी में ये विविधता अधिक पाई जाती है, इसलिए वो इम्प्रूवमेंट के चांस अधिक हैं। और इसीलिए भारतीय गोभी, जिसको कोरस गोभी भी कहा गया है, उसमें कई प्रकार की प्रजातियां, अति अगेती, अगेती, मध्यम अगेती, मध्यम पछेती, इस प्रकार से 4 प्रकार की गोभी इसमें बताई गई है। और इसमें तरुणावस्था यूरोपीय गोभी में जुवेनाइल फेज अधिक होता है, जबकि भारतीय गोभी में जुवेनाइल फेज कम पाया जाता है। अब बात आती है कि फूल गोभी का क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि भारतवर्ष में जो फूल गोभी के विकास का कार्यक्रम है, वो इसका श्रेय मुख्य रूप से डॉक्टर सिसादरी, डॉक्टर चटर्जी और डॉक्टर विश्व स्वरूप को जाता है, जिन्होंने फूल गोभी पर कार्य किया और बहुत सारी प्रजातियाँ देश में विकसित की, जो आज किसानों के लिए एक वरदान सिद्ध हुई है और लोग उसकी खेती कर रहे हैं। उत्पादन के लिहाज से देखा जाए तो इसका क्षेत्रफल धीरे धीरे बढ़ रहा है और साथ ही उत्पादन और उत्पादकता भी बढ़ रही है, जो इस टेबल से आपको दिखाई दे रहा है। इसमें 2011-12 से लेकर के 2016-17 तक का आंकड़ा दिया गया है। भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों में फूल गोभी का क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता की टेबल दिखाई गई है। इसमें पश्चिमी बंगाल सबसे प्रथम स्थान पर है एरिया के हिसाब से भी,
और उत्पादन के हिसाब से भी और उत्पादकता के हिसाब से भी, और सबसे कम इसमें मिजोरम है। अब बात आती है कि फूलगोभी के लिए किस प्रकार की भूमि चाहिए। इसकी खेती हम सब प्रकार की भूमि में कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए दोमट या मटियार दोमट भूमि सबसे अच्छी होती है। ऐसी भूमि जिसमें कर्ण का विकास अच्छा हो, इसकी खेती के लिए उत्तम होती है। बलुई दोमट अथवा भारी भूमि में पर्याप्त मात्रा में कार्बनिक खादों का उपयोग करके गोभी को उगा सकते हैं। हल्की अम्लीय भूमि में जिसका पीएच मान 5.5 से लेकर 5-6.5 के मध्य हो, उसमें फूलगोभी की खेती आराम से कर सकते हैं। और भूमि उपजाऊ हो और उसमें कार्बनिक पदार्थ अच्छा हो, उस तरह की भूमि इसकी खेती के लिए उत्तम होती है। और भूमि में लवणों की अत्यंत सहिष्णुता होती है, इसलिए अधिक लवणयुक्त तो भूमि इसकी खेती के लिए उपयुक्त नहीं होती है। जलवायु के हिसाब से भारतीय गोभी को अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। इसके लिए 5 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए और अनुकूल ताप 17 से 20 डिग्री सेल्सियस है। और इसकी खेती इसको अनुकूल तापमान दो हिस्सों में बांटा गया है, सितंबर में चौथे ग्रुप और दिसंबर में चौथी। सितंबर अक्टूबर में चौथी जो परिपक्वता है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान और आर्द्रता 85 से 100% होनी चाहिए। और दिसंबर जनवरी परिपक्वता वाली गोभी के लिए 5 से 10 डिग्री सेल्सियस तापमान और आर्द्रता 60 से 70% होनी चाहिए। दूसरी आती है शीतोष्ण या यूरोपीय गोभी या स्नोवाल ग्रुप। इसमें वृद्धि और विकास के लिए 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए और कड़ बनने के लिए तापमान 10 से 16 डिग्री सेल्सियस चाहिए। गोभी के प्रकार, गोभी मुख्य रूप से दो प्रकार की, जैसे मैंने आपको बताया, भारतीय गोभी और विदेशी गोभी। भारतीय गोभी चार प्रकार की है, जिसमें अति अगेती, अगेती, मध्य अगेती, पश्चिम अगेती। और विदेशी या शीतोष्ण गोभी ये केवल एक ही प्रकार की है और ये अधिक लेट है। परिपक्वता के अनुसार फूलगोभी को विभिन्न वर्गों में बांटा गया है। अत्यागेति प्रजातियां, प्रथम समूह जिसमें फूल सितंबर से लेकर के अक्टूबर में तैयार हो जाते हैं, जिसमें आपकी प्रजाति पूसा काटी, पूसा दिवाली, पूसा अरली कुंवारी, पूसा अरली, पूसा दीपाली, पूसा अरली सिंथेटिक, पंत गोभी 2, पंत गोभी 3, अरली पटना, अरली मार्केट, अगेती मध्यम। द्वितीय वर्ग इस वर्ग की प्रजातियों में फूल मध्यम अक्टूबर से लेकर मध्य दिसंबर तक तैयार हो जाते हैं। पंत गोभी 4, पंत शुभ्रा, पंत कार्तिकी, पूसा सरल, पूसा शंकर 2, पूसा गहनी, पंजाब ज्वाइन, हिसारवन, पछेती या तृतीय ग्रुप जिसमें फूल मध्य दिसंबर से मध्य जनवरी तक तैयार हो जाते हैं, इसमें पूसा सिंथेटिक, इम्प्रूव जापानी, पूसा शुभ्रा, पंजाब ज्वाइन 36-35। और पछेती या सनोवाल ग्रुप, इसमें फूल जनवरी से मार्च तक तैयार होते हैं, इसमें सनोवाल 16, पूसा सनोवाल 1, पूसा सनोवाल 2, पूसा सनोवाल KT1 वाली प्रजातियाँ आती हैं। इन्हीं सब प्रजातियों का उनके तापमान के हिसाब से और उनके मैच्योरिटी के हिसाब से दर्शाया गया है, जिसमें वर्ग एक में आपकी अति अगेती और अगेती सितंबर से मध्य अक्टूबर तैयार हो जाती है। बीज बोने का समय मध्य मई से जून के अंत तक है और पौधरोपण का समय मध्य जून से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक है। और इनके तापमान की 20 से 27 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। दूसरा वर्ग अगेती, जिसमें अक्टूबर में चौटी कहते हैं, और इसमें ये मई के द्वितीय सप्ताह में इसके बीज की बुआई की जाती है और जुलाई द्वितीय सप्ताह में इसकी रोपाई की जाती है। और इसको 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। इसके बाद वर्ग आता है दो, जिसमें मध्य अगेती, इसको नवंबर में चौठी कहते हैं, और इसमें कर्ण नवंबर से लेकर मध्य दिसंबर तक तैयार हो जाते हैं। इसका बीज जुलाई के अंत से और अगस्त तक बोया जाता है और इसकी रोपाई अगस्त अंत से लेकर सितंबर के प्रथम सप्ताह तक की जाती है। और पौधों के लिए 16 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। अब आता है तीसरा वर्ग या मध्य पछेती, जिसको दिसंबर में चौटी कहते हैं, और ये मध्य दिसंबर से मध्य जनवरी तक इसके कर्व तैयार हो जाते हैं। और इसके बीज की बुआई जुलाई अंत से लेकर के अगस्त के अंत तक कर सकते हैं। और इसमें पौधों की रोपाई अगस्त अंत से लेकर के सितंबर अंत तक की जाती है और इसमें 12 से 16 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। उसके बाद चौथा या पछेती,
इसको स्नोवल ग्रुप भी कहते हैं। इसको जनवरी या फरवरी में इसके कर तैयार होके आ जाते हैं और इसके बीज की बुआई सितंबर से अंत से लेकर के मध्य अक्टूबर तक कर सकते हैं और पौधों की रोपाई मध्य अक्टूबर से लेकर के नवंबर तक कर सकते हैं और इनके लिए 10 से 16 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। अब बात आती है कि इनको पौधों की रोपण की दूरी कितनी होनी चाहिए और इसमें कितने पौधे प्रति हेक्टेयर लगेंगे, तो इसमें बता दूँ आपको कि अत्यागत प्रजातियाँ ये कम बढ़ती हैं, तापमान अधिक इनको चाहिए और इसलिए 45x45 यानी कि 45 सेंटीमीटर की दूरी पर कतार बनाएं और कतारों में 45 सेंटीमीटर की दूरी पर रोपाई करें और ये इसके कर सितंबर के महीने में तैयार हो जाते हैं और इसमें 48,400 पौधे की आपको 1 हेक्टेयर के लिए आवश्यकता पड़ेगी। अगेती प्रजातियाँ जिनको लिए 50x50 यानी कि 50 सेंटीमीटर की कतार हैं और कतारों में 50 सेंटीमीटर दूरी पौधों की रोपाई की जाती है और ये अक्टूबर में इनके कर तैयार हो जाते हैं और इसमें 40,000 पौधों की आवश्यकता पड़ती है। मध्य अगेती प्रजातियाँ जिनको कि 60 सेंटीमीटर की दूरी पर कतारें बना करके 45 सेंटीमीटर दूरी पर पौधे रोपाई की जाती है और इनके कर नवंबर में तैयार हो जाते हैं और इनमें 36,300 पौधे की आवश्यकता पड़ती है। मध्य पछेती इसमें दिसंबर में फूल तैयार हो जाते हैं और इनमें 36,300 पौधे की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद आता है स्नोवाल ग्रुप जिसमें 60x60 सेंटीमीटर यानी कि 60 सेंटीमीटर कतारें और कतारों में 60 सेंटीमीटर दूरी पर पौधों की रोपाई की जाती है और इनके कर फरवरी से लेकर मार्च तक तैयार हो जाते हैं। इसमें 27,225 पौधों की प्रति हेक्टेयर आवश्यकता पड़ती है। तराई एवं भावर के क्षेत्रों में बीज बोने का समय और पौधरोपण का समय थोड़ा सा डिफर करता है, ये प्रजाति के अनुसार अलग अलग है। अति अगेती मई में बोई पौधे की रोपाई जून में करते हैं, अगेती है इसको जून में बोते हैं और रोपाई जुलाई में करते हैं, मध्य अगेती जुलाई में करते हैं और इसकी रोपाई अगस्त में होती है और मध्य पछेती अगस्त में और रोपाई सितंबर में। सिनोवाल ग्रुप की सितंबर में और इसमें अक्टूबर नवंबर तक कर सकते हैं। सिंचित घाटियों में पहाड़ी क्षेत्रों में 5,000 फुट की ऊंचाई तक केवल अगेती प्रजातियाँ ही बोई जाती हैं जिनके बीज की बुआई मार्च से अप्रैल तक की जाती है और पौधरोपण का कार्य अप्रैल से मई तक किया जाता है। पछेती या सिनोवाल ग्रुप के सितंबर में पौध बीज बोया जाता है और अक्टूबर में इसकी रोपाई की जाती है। और मध्य समय की जो प्रजातियां हैं इनकी बुआई जून के महीने में की जाती है और पौधरोपण जुलाई में किया जाता है। और अधिक ऊंचाई पर 7,000 फुट तक की ऊंचाई तक केवल एक फसल ली जाती है, इसके बीज की बुआई अप्रैल मई में की जाती है और पौधों की रोपाई मई से जून में की जाती है। अब बात आती है कि इन प्रजातियों के लिए खाद या उर्वरक की कितनी आवश्यकता है, तो मृदा जांच के अनुसार ही इसमें पोषक तत्व देने चाहिए जिससे कि आपको आर्थिक दृष्टि से लाभकारी हो। सामान्य परिस्थितियों में यदि मृदा की जांच की आपके पास सुविधा नहीं है तो गोबर की खाद 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालनी चाहिए और इसको 20-25 दिन पहले खड़ी खेत में डाल करके जुताई कर दें और उसके बाद फिर नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश की मात्रा 120 से 150 क्विंटल किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और फास्फोरस 60 से 80 किलोग्राम, पोटास 60 से 80 किलोग्राम, जिंक सल्फेट, क्योंकि इन पौधों इन क्षेत्रों में जहाँ पर जिंक और बोरोन की बहुत कमी पाई जाती है खासतौर से तराई क्षेत्रों में, तो यहाँ पर 10 से 15 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 8 से 10 किलोग्राम बोरेक्स प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जब आप आधा नाइट्रोजन और संपूर्ण फास्फोरस और पोटास खेत में बेसल ड्रेसिंग के रूप में डालते हैं तो उस समय आप इस समय जिंक सल्फेट और बोरेक्स को मिलाकर के भी खेत में डाल दें। अब बात आती है फूलों की फसल में पोषक तत्व खाद उर्वरकों के विभिन्न राज्यों में कितनी संस्तुत है, उसका विवरण इस टेबल में दिया गया है जिसमें तराई क्षेत्र आपका गुजरात महाराष्ट्र सभी राज्य दिए गए हैं और उनके लिए कहाँ कहाँ कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता है नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास की, उसका वर्णन दिया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में बुवाई के समय प्रजातियाँ 4,000 से 6,000 फुट तक है, इसमें अगेत प्रजातियाँ 4,000 से 6,000 फुट तक अप्रैल से जून तक बोई जाती हैं जिनमें सभी भारतीय वो भी ये शामिल हैं और पछेती या देश प्रजातियों में जो 7,000 से 10,000 फुट तक उगाई जाती हैं जिसमें मार्च अप्रैल में बीज बोया जाता है और ये स्नोवाल वर्ग की इसमें शीतोष्ण प्रजातियाँ ये यूरोपीय प्रजातियाँ हैं उनको भी लगाया जाता है। ये परिपक्वता के अनुसार हरियाणा दिल्ली पंजाब में बीज बोने का समय और उनका पौधा लगाएगा कितना औसत तापमान होगा इसका विवरण पहले भी दे चुका हूँ, इस टेबल में भी दिया गया है।
पौधों में बीज बोने और खेत में पौधे तैयार का समय एवं बीज दर कितना लगेगा। इसमें जो अगेती प्रजातियां हैं उनका 500 से 600 ग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है, जबकि मध्यकालीन प्रजातियां हैं उसमें 450 से 500 ग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है, और पछेती प्रजातियों में 350 से 400 ग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है, और ये निर्भर करता है उनकी दूरी के अनुसार बीज की मात्रा कम या ज़्यादा होती है। अब बात आती है पौधशाला में पौध तैयार करना, तो ये बहुत सारे पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं, और इसके बारे में मैं पहले जब टमाटर का अपने को लेक्चर दिया था उसमें मैंने बताया था कि पौधशाला में आप किस तरह से बीज बोएं, तो जिस तरह से टमाटर की खेती के लिए आपने पौध तैयार की थी उसी तरह से आप फूल गोभी के लिए भी पौध तैयार कर सकते हैं, जिसमें पौध का खेत का चुनाव करें आप किस तरह से करेंगे, पौध तैयार करने हेतु तो कौन सी आवश्यक सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, पौधशाला हेतु तो क्यारी का निर्माण, इसमें उठी हुई क्यारियाँ बनाई जाती है क्योंकि बरसात का मौसम है इसलिए धरातल से 6 इंच उठी हुई और 1 मीटर चौड़ी क्यारी बनाते हैं, लंबाई इसकी अपनी आवश्यकता के अनुसार रखते हैं, और क्यारी के ऊपर क्योंकि बरसात का मौसम है तो या तो सिरकी सिरकी कांच के जो फूल वाला डैम भाग होता है उससे बनाई जाती है, या तो उसको रख सकते हैं या चटाई का प्रयोग करें या उसके ऊपर पॉलिथीन का प्रयोग करें जिससे कि आप बरसात से भी वो फसल को बचा सकें। पौधशाला में भूख का उपचार, इसमें आपको कई उपचार मैंने बताए गए थे कि भौतिक उपचार से कर सकते हैं आप, केमिकल से कर सकते हैं, कवकनाशी दवा से उपचार कर सकते हैं, इसमें भौतिक विधि है। इसमें क्या है जो आपके क्यारी का हिस्सा है जहाँ पर आपको पौधशाला में पौध बोनी है उतने में घास फूस डाल करके उस खेत को उसमें उस कूड़े को जला दीजिए, इससे गर्मी उत्पन्न होगी और गर्मी के कारण उसमें जो भी खरपतवारों के बीज हैं और जो भी कवक हैं बैक्टीरिया हैं जीवाणु हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। दूसरा है गर्म पानी द्वारा उपचार, ये बीज के उपचार के लिए बताया गया है कि जब आप बीज लेते हैं तो कभी कभी बीज के अंदर जैसे ब्लैक लेग एक बीमारी है जो कि बीज से उत्पन्न होती है, तो उससे बचाव के लिए आप 55 डिग्री सेल्सियस पर पानी गर्म करें, और गर्म करने के बाद उसमें बीज को पोटली में बांध करके उसके अंदर डुबो दीजिए 15-20 मिनट के लिए, उसके बाद फिर बीज को छाया में सुखाइए, और छाया में सुखाने के बाद फिर उसको कवकनाशी दवा थायराम या कैप्टान 2 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से मिला करके और उसे बो दीजिए क्यारी में, तो इस प्रकार से आप जो है इसका बीज का उपचार कर सकते हैं। कवकनाशी दवा से आप उपचार अवश्य करें, अगर आपने ठीक से उपचार कर लिया है कवकनाशी दवा से तो आपकी 75% बीमारियों की समस्या दूर हो जाती है। अब क्यारी की तैयारी और बीज की बुआई ये सब इसमें बताया गया है, उसके बाद बीज बोने के बाद फिर आप उसमें पलवार बिछाना, पलवार कब हटाएंगे, ये सारी प्रक्रिया मैं टमाटर की जब नर्सरी बताई थी उसमें दे चुका हूँ। अब बात आती है पौधों को कठोरता देना, ये पौधों को कठोरता देने के कठोरता देने का मतलब है कि पॉली हाउस में आप पौधों को उगाते हैं तो उन पौधों को तुरंत आप खेत में लगा देते हैं पौधे मर जाते हैं तुरंत, क्योंकि अंदर का तापमान ठंडा होता है जिसकी वजह से पौधे कमज़ोर होते हैं टेंडर, और उसके बाद जब आप उसको धूप में लगा देंगे तो वहाँ पर गर्मी बहुत होती है जिसकी वजह से पौधे मर जाते हैं, तो उनको लगाने से पहले कठोरता देना बहुत आवश्यक होता है, यानी कि पौधे के अंदर इस तरह की स्थिति पैदा करना कि वो अपने को वातावरण के अनुसार ढाल ले। इसके लिए कठोरता का सामान्य प्रक्रिया में जिसमें पौधों को स्वच्छता की जाती है जिससे पौधे स्वस्थ और ओजस्वी बने रहते हैं, तो ऐसे कुछ कारण हैं जिनके कारण पौधों में रोपण के पश्चात 1 सप्ताह के भीतर ही पौधे मर जाते हैं और सूख जाते हैं, तो इससे बचाव के लिए कठोरता देना एक आवश्यक कार्य है। इसमें जैसे पॉली हाउस है कांच घर है इसमें आपने पौधे उगा रखे है उन्हें आप जब लगाएंगे बाहर तो पौधे मर जाएंगे, तो छोटी अवस्था में ही पौधे होते हैं तो कीड़े और बीमारी से भी ग्रसित हो जाते हैं, तो कमज़ोर पौधों को रोपाई भी नहीं कर सकते क्योंकि अगर रोपाई करेंगे तो वो आदमी खेत में मर जाएंगे, तो कठोरता देने के लिए आवश्यक है कि आप जो है जिस पौधशाला में आपने पौध लगाई है लगाने से पूर्व उसमें धीरे धीरे आप उसमें सिंचाई बंद कर दीजिए, आप लगभग 8 से 10 दिन पहले सिंचाई देना कम कर दीजिए, और उसके बाद जब पौध लगानी हो उससे 24 घंटे पहले हल्की सिंचाई कर दीजिए जिससे पौध आप पौधशाला से आसानी से उखाड़ सकते हैं। कठोरता के बहुत सारे उपाय हैं, इसमें आप सिंचाई बंद कर सकते हैं, दूसरा है खुले वातावरण में पौध लगवाएं तो भी पौध उनके बाद सब पौधे की सिंचाई बंद करनी पड़ेगी आपको। एक उपाय है कि पोटेशियम नाइट्रेट का अगर छिड़काव 0.1 से लेकर 0.2% तक
आप नर्सरी में पौधा आराम कर देते हैं तो उसके 8-10 दिन के बाद पौधों को लगाते हैं तो उनमें कठोरता आ जाती है और पौधे फिर मृत्यु दर कम हो जाती है। पौधरोपण से पूर्व पौधों का चयन अवश्य करना चाहिए। यदि पौधों को आपने ठीक से चुन लिया है और समान आकार के जो पौधे हैं, और पौधरोपण का सबसे अच्छा तरीका है कि पौधे में जब 5-6 पत्ती आ जाती हैं तो समझ लीजिए कि पौधा लगाने योग्य हो गया है। और ये अलग 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 फसल के अनुसार अलग अलग होता है और इसका पौधे की ऊंचाई 8 से 10 सेंटीमीटर होती है। और पौधशाला में 5 से 6% जो पत्तियाँ आ जाती हैं पौधे के अंदर और 8 से 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई हो जाती है तो समझ लीजिए आपके पौधे जो है लगाने लायक हो गई है। और इसको फिर तेज़ धूप से भी बचाएं। जब आप रोपाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो तो उस समय रोपाई नहीं करनी चाहिए और रोपाई हमेशा सदैव ठंडे मौसम में करनी चाहिए, सायंकाल करें 3 बजे के बाद, और फिर तुरंत हल्की सिंचाई कर दें। जल भराव की जहाँ समस्या हो वहाँ पर उसका समाधान करें क्योंकि इसमें पानी नहीं भरना चाहिए। यदि पानी भर गया तो आप तक फसल नष्ट हो जाएगी। वर्षाकालीन अगर फसल है तो पौधों को आप मेड़ बनाएं और मेड़ों पर लगाएं तो ज़्यादा उचित रहेगा। और रोपण से पूर्व वातावरण अगर शुष्क है तो ऐसे खेतों में हल्की सिंचाई करके एक दिन बाद आप रोपाई करते हैं तो आपको पौधों के स्थापित करने में अच्छा सफलता मिलेगी और पौधों की मृत्यु दर कम हो जाती है। आज मैं इस लेक्चर में इतना ही बताऊंगा। इस शेष भाग में आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। आशा है आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। और यदि आपका कोई प्रश्न हो या सुझाव हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर मेल कर सकते हैं। भविष्य में एग्रीकल्चर से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल एग्री अकादमी में सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।